नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील कुमार और स्वागत करता हूं आपका इस चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे पेटीएम को यूज़ करके हम अपने मोबाइल पे रिचार्ज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, पेटीएम ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना है और उसके बाद पेटीएम ऐप को ओपन करना है। ऐसे आपको पेज दिखेगा, आपको यहाँ ऑप्शन दिख रहे हैं जैसे मोबाइल प्रीपेड, मोबाइल पोस्टपेड। और अगर आपका मोबाइल प्रीपेड है तो आप प्रीपेड पे टैप करोगे और अगर आपका मोबाइल पोस्टपेड है तो आप पोस्टपेड पे टैप करोगे। तो जैसे अभी मैं प्रीपेड रिचार्ज करके बताता हूँ, तो मैं यहाँ पे मोबाइल प्रीपेड पे टैप करता हूँ। और यहाँ पे अभी हमने क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने अभी अपना मोबाइल नंबर एंटर कर दिया है और उसके बाद यहाँ पे ऑपरेटर और लोकेशन सेलेक्ट कर दिए और उसके बाद यहाँ पे रिचार्ज अमाउंट एंटर कर दिया है मैंने। यहाँ पे अमाउंट एंटर करने के बाद यहाँ पे प्रोसीड टू पे पे हम टैप करेंगे। यहाँ पे अभी नेक्स्ट पेज पे हमने क्या करना है, अपना कार्ड का नंबर एंटर करना है। यहाँ पे कार्ड नंबर मीन्स डेबिट कार्ड, जिसको आप एटीएम कार्ड भी कहते हो, उसका नंबर एंटर करना है आपने यहाँ पे। उसके बाद आपने अपने डेबिट कार्ड का एक्सपायरी डेट लिखना है यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे सीवीवी नंबर, जैसे यहाँ पे आप जब अपने कार्ड को उल्टा करोगे उस पर ब्लैक टेप के नीचे आपको तीन डिजिट दिखेंगे, लास्ट वाले तीन डिजिट वाइट स्ट्रिप पे हाईलाइट किए होंगे, वो लास्ट थ्री डिजिट आपने यहाँ पे एंटर करने हैं। ओके, सारी डिटेल्स को एंटर करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे नाउ पे टैप करना। आपने आपके मोबाइल नंबर पे जो नंबर आपने बैंक के साथ रजिस्टर किया हुआ है उसके उस पर आपको वन टाइम पासवर्ड आएगा, जो आपको यहाँ पे एंटर करना है। और उसके बाद ओटीपी को एंटर करने के बाद आपने मेक पेमेंट पे टैप करना है। ओके, दैट इज़ इट।